हरे कृष्ण ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनाशलाकाय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातवहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, मैं गुरु गौर कृष्णदास आप लोग सभी का स्वागत करता हूँ। वेलकम टू आवर डेली रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ श्रीमद् भगवद्गीता एज इट इज, जहाँ पे हम हर दिन वर्ष बाय वर्ष श्लोक बाय श्लोक श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप का अध्ययन करें। और आज का श्लोक संख्या भगवद्गीता चैप्टर 4 अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। पिछली बार हमने 4.8 पढ़ा था जो भगवद्गीता में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है, परित्रणायम साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। और आज हम अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। तो जिनके पास भी भगवद्गीता है आप कृपया अपना कॉपी खोल दीजिए, जिनके पास नहीं है और जो ऑनलाइन फ्री PDF कॉपी चाहते हैं आप मुझे मेरे पेज गुरु जी के साथ पर मैसेज कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। श्रीमद् भगवद्गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति स्वर्जुना। जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति स्वर्जुना। ट्रांसलेशन अनुवाद। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से? He is bestowing the most secret of all knowledge। क्या बोल रहे हैं कि जन्म कर्माच मे दिव्यम, जो मेरे अपियरेंस अपियरेंस एंड डिसअपियरेंस को जानता है, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। एज सिंपल एज दैट, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद बताते हैं, छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ने की वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादत्मय प्राप्त करने के रूप में मिलती है वे आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। सो यहाँ पर उन लोग की बात हो रही है, मायावाद लोग, निर्विशेषवाद लोग, शून्यवाद लोग, जो भगवान के फॉर्म पे मतलब भगवान के रूप में विश्वास नहीं करते। और ऐसे लोग किस चीज़ को मुक्ति मानते हैं? एक्चुअली मुक्ति शब्द है ना, मुक्ति शब्द रिलेटिव है, इट इज़ वेरी रिलेटिव। क्यों मुक्ति शब्द रिलेटिव है? यदि मैं मेरे काम से मुक्त हो गया तो मुक्ति हो गया, यदि मैं देश से मुक्त हो गया तो मुक्त हो गया, यदि मैं इस संसार से मुक्त हो गया तो उसको मुक्ति कह सकते हैं, यदि मैं इस संसार और इस शरीर को से मुक्त हो गया लेकिन मैं अब तक भगवत धाम को नहीं प्राप्त हुआ तो मतलब मैं इधर से तो मुक्त हुआ लेकिन अब मेरी अब तक ट्रू सेंस में असल सेंस में
मुक्ति नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि मुक्ति उसको बोलते हैं, लिबरेशन इज दैट जब आप उस चीज में वापस दोबारा रिपीट ना हो। तो चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, चाहे कोई मर जाए और वो स्वर्ग जाए, तो उसके मतलब मुक्ति नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग जाके वो वापस इस मानव शरीर में वापस जन्म लेगा। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग ही गया, स्वर्ग जाके लोग वापस आते हैं। तो वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है, किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने पात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। Yes, so all we have to do is remember Krishna, his pastimes. ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेकानेक रूप तथा अवतार हैं। Yes, अद्वैतमन अच्युतम अनादिमनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप है, किंतु फिर भी वे अद्वैत भगवान है। इस तत्व को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। क्या तत्व है ये? क्या तथ्य है कि भगवान, इवन दो भगवान के अनेक अनेक अवतार इनकार्नेशन है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड और वो हमेशा रहेंगे। ये तत्व को, ये तथ्य को जो समझे व्यक्ति, हिज जीवन, उसका जीवन सफल हो जाए। तो इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगी के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों में कहा गया है। क्या क्या है कि एको देवो नित्य लीला अनुरुक्तो भक्तव्यापी हृदय अंतरात्मा, पुरुष बोधिनी उपनिषद से लिया गया है कि एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक अनेक दिव्य रूप में सदैव संबंधित है। ऑफ कोर्स वो भक्त के ऊपर है कि उसको भगवान कौन से रूप में वर्शिपेबल है, बट वो ये नहीं बोलता कि भगवान नारायण, नरसिंहदेव, राम, कृष्ण सब एक है, ये नहीं बोलता। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविकलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। कैसे? जो भगवान को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड से लेता है एंड मानता है विश्वास के साथ, बिलीव इन द लॉर्ड विद फर्म फेथ एंड कन्विक्शन। सो दूसरे शब्द में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। Yes? और श्री भगवान को जान देने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवद्गीता की विद्वतापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। एक मधु के बॉटल को बाहर से चाटने के बराबर कहा गया है। किनको? जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते कि भगवान श्री कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत गीता
को भगवत भक्त की अहितु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। एक एग्जाम्पल हमारे वेदों में, भागवतम में एक एग्जाम्पल है महाराज अम्बरीश और दुर्वासा मुनि। महाराज अम्बरीश एक गृहस्थ आश्रम में होके, महाराज होके, राजा होके, दुर्वासा मुनि जो संन्यास आश्रम में होके, साधु संत महात्मा तपस्वी होके, उनके सामने दुर्वासा मुनि कैसे झुके? क्योंकि अम्बरीश महाराज थे विष्णु भक्त, कृष्ण भक्त, और दुर्वासा मुनि भक्त के सामने अपने अहंकार को चेक नहीं कर पाए, इसलिए उनको झुकना पड़ा। सो द एंड गोल, इस श्लोक का मेन पर्पस, मेन चीज जो हम सीखते हैं वो ये है कि हमको फुल फेथ और फुल श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण को पूजना है, भजना है, एंड हम अपने आप इस संसार से असली मुक्ति पाएंगे और छूट जाएंगे और वापस पुनः नहीं आएंगे, जो भगवान को समझता है। कैसे? श्रद्धा और ज्ञान से। श्रद्धा भी चाहिए और ज्ञान, ऑलराइट? सो ये दो चीज से हमको भगवान कृष्ण को समझना है और उनकी भक्ति करना है। सो यस, इसके साथ हम आज के अध्ययन को यहाँ पर विराम कर सकते हैं। आप लोग किसी को कोई प्रश्न, कॉमेंट या रियलाइजेशन हो तो आप मुझे मेरे पेज गुरु जी के साथ मैसेज कर सकते हैं। आप लोग सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपको कल इसी समय इधर ही मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, श्रीमद् भगवद्गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।